पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान की फेडरल सेंसर बोर्ड यानी FCB ने फिल्म के प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी। FCB के सदस्य इशाक अहमद ने कहा कि हम अपने फिल्म वितरकों को ऐसी फिल्में आयात करने की इजाजत नहीं दे सकते जो हमारी परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। पाकिस्तान के पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने भी फिल्म को मंजूरी प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। एक सदस्य का कहना है कि हम अपने सिनेमाघरों में वर्जना वाले विषयों पर फिल्म दिखाने की इजाजत नहीं दे सकते। ऐसा करना हमारी संस्कृति, समाज और धर्म में है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की कई फिल्मों पर पाकिस्तान पहले भी बैन लगा चुका है। बेबी, खिलाड़ी 786, नाम शबाना, जॉली LLB को भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले फिल्म पद्मावती को बिना किसी काट छांट के रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट देकर इसे पूरे देश में रिलीज करने का फैसला किया था। इस पर पाकिस्तान के जाने माने फिल्म निर्माता सैयद नूर का कहना है कि सिर्फ पैडमैन ही नहीं बल्कि पद्मावत को भी पाकिस्तान में नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि इसमें मुसलमानों की नकारात्मक छवि पेश की गई है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।